Hello everyone, myself Sâtýām Mîshřą. I am from Bihar. I am pursuing my bachelor degree in hotel management from ISHM. जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग कोरोना वायरस से काफ़ी इफेक्टिव हैं. हम लोग ही नहीं, पूरा होल वर्ल्ड इसके कारण लॉकडाउन है. ये कोरोना वायरस एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आके फैलती है. तो ये जितना हम लोग एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे वो इतना ज़्यादा फैलेगी, इतना स्ट्रांग होगी वो. तो हमें इसे अवॉइड करनी चाहिए और हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है घर से बाहर निकलने की, बिकॉज़ हम लोग की कॉलेज, ऑनलाइन क्लासेस, वीकली टेस्ट असाइनमेंट्स प्रोवाइड करा रही है हम लोग तक. तो आइए हम लोग कुछ टॉपिक पे रिवाइज करते हैं. जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है केयर एंड क्लीनिंग ऑफ वुड. वुड बहुत ही कॉमनली यूज है, सभी जानते होंगे, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, शॉप्स में, यहाँ तक कि हम लोग के घर में भी इसका यूज होता है. आज के टाइम में तो वुड के बदले प्लास्टिक ज़्यादा यूज होती है, बिकॉज ये कम कॉस्टली है, बहुत सस्ते में आ जाती है. वुड थोड़ी महंगी होती है, इसके कारण हम लोग प्लास्टिक यूज़ कर लेते हैं. बट वुड का एक अलग, उसका एक साइन है, एक वो एक अच्छी तरह दिखती है, थोड़ी कॉस्टली आती है और प्लास्टिक के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा दिन तक टिकती भी है. तो वुड दो तरह के होते हैं मेनली, एक सॉलिड वुड होते हैं और एक वुड बोर्ड होते हैं. सॉलिड वुड के अंदर आते हैं हार्ड बोर्ड और सॉफ्ट बोर्ड, और वुड बोर्ड के अंदर आते हैं हार्ड बोर्ड और प्लाईवुड. तो हम लोग को जिस अकॉर्डिंग नीड होती है उस अकॉर्डिंग हम लोग इसे यूज करते हैं. इसके कुछ क्लीनिंग और केयर करने की भी ज़रूरत होती है, बिकॉज हम लोग को फर्नीचर पे पॉलिश होनी चाहिए, साइन आनी चाहिए. तो इसके कुछ टिप्स हैं जो इसी टिप्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसका क्लीन करते हैं. जैसे कि फर्स्ट हम लोग या तो कंटेनर हो या बॉटल्स हो उसको सेक कर लेने चाहिए, बिकॉज क्योंकि हो सकता है कुछ लिक्विड्स नीचे जम जाते हैं, इसलिए उसको सेक कर लेते हैं तो वो प्रॉपर मिल जाती है. सेकेंड है, ये डाइल्यूट नहीं करनी पड़ती है इसको, ये डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, इसमें पानी मिक्स नहीं करना पड़ता है. थर्ड, इसको फिर स्प्रे कर लेंगे हम लोग एक ड्राई क्लॉथ्स पे. और हाँ, ये फर्नीचर पे हम लोग ऑलवेज ड्राई क्लीनर ही करेंगे, हम लोग को अवॉइड करनी चाहिए वेट मॉप या फिर कुछ गीले कपड़ों से इसको क्लीन व्लीन करने से अवॉइड करनी चाहिए. सो इसको हम एक ड्राई क्लॉथ पे स्प्रे कर लेंगे, देन आफ्टर जहाँ हमको क्लीन करना है क्लीन कर लेंगे. फिर